चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 165वीं बैठक बोर्ड की बैठक आज है। दरअसल जीडीए वीसी अतुल वत्स ने जानकारी दी है, बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। गाजियाबाद के विकास को लेकर के ये प्रस्ताव होंगे। कई बड़े प्रस्तावों के पास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के विकास को लेकर के कई प्रस्ताव होंगे, जो कई बड़े प्रस्तावों के पास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 165वीं बोर्ड की बैठक है आज। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने इसकी जानकारी दी है। बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे और गाजियाबाद के विकास को लेकर के कई बड़े प्रस्ताव होंगे और इन बड़े प्रस्तावों के पास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 10 बजे हमें आदरणीय आयुक्त महोदय से जीडीए की बोर्ड बैठक के लिए समय मिला है और ये इलेक्शन के बाद पहली बोर्ड बैठक है जो हम लोगों की होने वाली है। इसमें हम लोग लगभग 26 प्रस्ताव रखेंगे बोर्ड के समक्ष और इसमें कुछ तो औपचारिक प्रस्ताव हैं जैसे शासन की नीतियों को अंगीकृत किया जाना और कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो गाज़ियाबाद के आगे आने वाले लगभग 50 वर्ष के समय को की संकल्पना की परिकल्पना करते हुए उसका आधारभूत रखेंगे। 5 अगस्त को सुबह 10 बजे हमें आदरणीय आयुक्त महोदय से जीडीए की बोर्ड बैठक के लिए समय मिला है और ये इलेक्शन के बाद पहली बोर्ड बैठक है जो हम लोगों की होने वाली है। इसमें हम लोग लगभग 26 प्रस्ताव रखेंगे बोर्ड के समक्ष और इसमें कुछ तो औपचारिक प्रस्ताव हैं जैसे शासन की नीतियों को अंगीकृत किया जाना और कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो गाज़ियाबाद के आगे आने वाले लगभग 50 वर्ष के समय को की संकल्पना की परिकल्पना करते हुए उसका आधारभूत रखेंगे। 5 अगस्त को सुबह 10 बजे हमें तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बैठक होनी है। बता दें कि 165वीं बोर्ड बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप लाइव जुड़े हुए हैं। करणवीर, गाजियाबाद के विकास को लेकर के कई प्रस्तावों के पास होने की उम्मीद है आज? बिल्कुल प्रगति देखें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 165वीं बोर्ड बैठक है, उसमें करीब 26 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। उन 26 में जो सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि गाजियाबाद एक्सटेंशन यानी गाजियाबाद का विस्तार किया जाएगा और गाजियाबाद एक्सटेंशन जो टाउनशिप है उसको बसाने का प्रस्ताव रखा गया है कि वो प्रस्ताव बड़ी महत्वपूर्ण है, वो प्रस्ताव और आज मोहर लगने की संभावना है। जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक है इसके अतिरिक्त उसमें और भी प्रस्ताव रखे गए हैं जिसमें जीडीए की आय बढ़ाने संबंधित मामले हैं और इंदिरापुरम एक्सटेंशन का मामला है और जो मधुबन बापूधाम योजना है उसको उसको अच्छी तरह करके उसको बेचने का मामला है कि वो अच्छी तरह वहाँ पर बायर्स आए उसको खरीदे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये पूरी बोर्ड बैठक है। और बोर्ड बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है आज के जो गाजियाबाद का विस्तार किया जाएगा, गाजियाबाद विस्तार यानी गाजियाबाद एक्सटेंशन जो बसाने की प्लानिंग है, जो अगले 50 साल तक गाजियाबाद का स्वरूप क्या होगा, गाजियाबाद को किस तरह बढ़ाया जा सकता है जिसमें मेडिसिटी होगी, एजुकेशन हब होगा और अच्छी अच्छी टाउनशिप होंगी, ये तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर के आज काफ़ी चिंतन और मंथन होना है। उसके बाद ये प्रस्ताव आज पास होने की संभावना है जी। जो गाजियाबाद प्राधिकरण के वीसी वत्स हैं वो जब से आए हैं इस तरह के कामों पर लगे हुए हैं कि एक तो जीडीए की साख सुधारी जाए और जीडीए को अच्छा करके इसका विस्तार जाए ताकि बेकार की हो चुके। गाजियाबाद अपने आप में बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत आबादी का जो घनत्व है वो काफी ज्यादा है और पूरे देश से लोग आकर के यहाँ रहते हैं, ऐसे में लोगों को अच्छा घर मुहैया कराना, अच्छी कानूनियाँ मुहैया कराना, उन तमाम चीजों पर जोर दे रहे हैं और वही उसी क्रम में गाजियाबाद एक्सटेंशन यानी गाजियाबाद का विस्तार करके नई टाउनशिप बसाने की जो प्लानिंग है उसका प्रस्ताव आज बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जो जीडीए की बोर्ड बैठक होगी उसमें प्रस्ताव जो है कितना दम भरता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कणवीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे।